हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी ए एन एम 9212 से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट, ANM बहनों के ज्वाइनिंग से संबंधित अपडेट है और प्रोविजनल ANM बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो हम आपको बता दें, आयोग से एक नई नोटिस जारी की गई है जिसमें 1622 प्रोविजनल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है और पूरी लिस्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइनिंग को लेकर और प्रोविजनल बहनों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के टैब को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिल सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि UP SSC यानी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा ANM 9212 की भर्ती प्रक्रिया काफ़ी दिनों से लंबित चल रही है और उसमें सारी प्रक्रिया हो चुकी है, केवल आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है। तो ANM बहनें काफ़ी दिनों से परेशान हैं और उनके जो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है और लगातार तारीख पे तारीख जो सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है, लेकिन उस पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में, 21 फरवरी को जो डेट निर्धारित की गई थी, 21 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना था, वो रात को ही, एक दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसा कि जो विभाग है उसके द्वारा पत्र जारी करके स्पष्ट बताया गया था कि ये प्रक्रिया रोक दी गई है। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो केवल EWS के कैंडिडेट हैं उन्हीं को हटाते हुए बाकी लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी, उसी पर ये काम चल रहा है। तो और साथ ही हम आपको बता दें कि जो प्रोविजनल बहनें हैं तो वो काफ़ी दिनों से परेशान थी कि उनके लिए कोई न्यूज़ या कोई अपडेट नहीं आ रही थी। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि माननीय आयोग द्वारा एक यानी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा नई नोटिस जारी की गई है और इसमें विशेष रूप से प्रोविजनल जो कैंडिडेट हैं, प्रोविजनल यानी बहन हैं, उनके लिए ही जो जो स्पष्ट निर्देश हैं वो दिए गए हैं। उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, तो हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही बता दें कि 1622 प्रोविजनल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ हो चुका है, वो अप्रैल में, यानी दिनांक 3 अप्रैल 2023 से लेकर और 15 मई 2023 तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग में चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो साथ ही हम आपको बता दें कि ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि ये माननीय आयोग द्वारा ये जो नोटिस जारी किया गया है और इसमें पूरा डिटेल में हम बताएं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हेतु विज्ञापित कुल 9212 पदों के सापेक्ष 8831 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 6 अगस्त 2022 को घोषित किया गया था। उक्त चयन परिणाम में 1622 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से सम्मिलित थे, यानी कि प्रोविजनल कैंडिडेट थे। औपबंधिक चिन्हित उक्त 1622 अभ्यर्थियों की सुनवाई आयोग कार्यालय में की जानी है। यानी कि देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से आयोग द्वारा कहा गया है कि जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं, जो चिन्हित 1622 यानी 1622 अभ्यर्थियों की सुनवाई, जो काफ़ी दिनों से परेशान थे कि उनका आगे क्या होना है, तो उनकी सुनवाई, जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है वो उस सब के लिए दिनांक 3 अप्रैल 2023 से लेकर 15 मई 2023 तक उनकी सुनवाई आयोग में की जानी है। देखिए आगे लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, इसके आगे ये दिनांक है और आगे जो है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर है। तो अपन उस दिनांक में 3 अप्रैल 2023 से जो रोल नंबर है उसमें आप देख सकते हैं, जो भी प्रोविजनल बहन हैं वो अपने रोल नंबर के हिसाब से उस डेट को यानी तिथि को देख सकते हैं कि किस तिथि में आयोग में पहुँचना है। तो ये पूरी जो लिस्ट है वो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, इस तालिका में आप देख सकते हैं कि करीब 27 दिनों तक ये जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी जो प्रोविजनल बहने हैं उन ANMs के लिए, तो ये मौका दिया गया है कि वो उसमें सुधार कर सकते हैं, चाहे वो शैक्षिक योग्यता से संबंधित हो या आरक्षण संबंधी कोई भी अभिलेख हो, तो उनको आप वहाँ आयोग में जाकर अपना सुधार कर सकते हैं। तो आप ध्यान से अपने रोल नंबर के हिसाब से डेट्स को देख लें। और वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सभी प्रोविजनल कैंडिडेट्स को अपने समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधी अभिलेखों की
मूल एवं छाय प्रतियों सहित उपयुक्त तालिका के अनुसार रोल नंबर के समक्ष तिथि को आयोग कार्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना है। तो हमारी अपील है सभी से कि जो भी प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं या 90 बहनें हैं तो वो ध्यान से प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित हों, जिससे कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट एवं जानकारी आपको समय से मिल सके। थैंक यू सो मच।